वरुण गांधी सियासत का ऐसा नाम जिसका जिक्र न सिर्फ यूपी में बल्कि दिल्ली दरबार में भी किया जाता है। वजह आपको तसल्ली से समझाते हैं। गौर कीजिए, पूरे देश भर में बीजेपी अपना 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चला रही है, जश्न मना रही है, लेकिन पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी न किसी जनसंपर्क अभियान में शामिल हैं और न ही किसी पार्टी की मीटिंग में शिरकत करते हैं। ऐसे में पार्टी की लीक से अलग हटकर चलने वाले वरुण गांधी के लिए लोकसभा चुनावों में बीजेपी से टिकट मिलना एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वरुण गांधी ने कई बार बीजेपी नेतृत्व से असहमति जताई है, लेकिन पार्टी ने उन्हें लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उन्हें कई राज्यों में हुए चुनाव प्रचार में अहमियत नहीं दी गई, यूपी में भी उन्हें कोई अहम भूमिका नहीं सौंपी गई। इससे साफ है कि नेतृत्व वरुण गांधी को नजरअंदाज कर रहा है। यही नहीं, उनकी मां मेनका गांधी भी 2019 में दोबारा बनी मोदी सरकार में किसी पद पर नहीं है। इससे पहले 2014-2019 के दौरान वह महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, लेकिन अब वह भी बेटी की तरह ही महज सांसद हैं और भाजपा के किसी बड़े आयोजन में मंच पर भी नहीं दिखती। अब ऐसे में यह चर्चा भी आम है कि वरुण गांधी को इस बार शायद बीजेपी पीलीभीत से उम्मीदवार ही ना बनाए। बीजेपी के स्थानीय विधायक और नेताओं ने न सिर्फ वरुण की दूरी बल्कि वह बीजेपी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी का प्लान बी भी पीलीभीत के लिए तैयार है। चर्चा है कि पीलीभीत से संजय सिंह गंगवार को लोकसभा टिकट मिल सकता है। उनकी यूपी बीजेपी संगठन में अच्छी पकड़ है और सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। इधर अखिलेश यादव से भी जब वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जो भी कड़ा मुकाबला करेगा पार्टी उसे मैदान में उतारेगी। हालांकि अखिलेश की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी, और वैसे वरुण गांधी के भाषणों और बयानों में भी पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव के लिए नरमी आई है। हालांकि वरुण गांधी के लिए चर्चा यह भी है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं, जिसमें सभी पार्टियां और दल उन्हें अपना समर्थन दे सकते हैं। गौरतलब है कि वरुण गांधी के टिकट मिलने को लेकर जब भी किसी बीजेपी नेता से पूछा जाता है तो हर कोई बस इतना कहकर चुप्पी साध लेता है कि इसका फैसला तो दिल्ली दरबार में होगा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई वरुण गांधी का फैसला दिल्ली दरबार में होगा, या वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे और यूपी के तमाम दल और पार्टियां उनका समर्थन करेंगी।